हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई डेटा है, डेटा क्या है 12 है, और इसका कोई वेरिएबल होगा। वेरिएबल कोई ए है, मान लीजिए हमारा वेरिएबल है, ठीक। तो इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मान लीजिए इतना इसका मतलब ये है कि द डेटा दैट हैज वेरिएबल हैज नोन एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब किसी भी डेटा का कोई वेरिएबल है और उसको तब क्या बोलेंगे ओवरऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसको वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलेंगे। ये इसकी डिफिनेशन है। डिफिनेशन है द डेटा दैट हैज दैट दैट अ वेरिएबल हैज नोन एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक, क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक, सिंपल लैंग्वेज होती है। अगर हमारे पास कोई डेटा, मान ले डेटा 8 है, उसका कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल बी होगा, तो क्या इसका ओवरऑल मतलब हो जाएगा, द डेटा दैट अ वेरिएबल हैज नोन एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्योंकि इसके वैल्यू ऑफ वेरिएबल के दो टाइप होते हैं। ठीक, जो पहला टाइप होता है वो देखते हैं। पहला टाइप हमारा क्या है, एल वैल्यू। ठीक, एल वैल्यू क्या होता है बेसिकली, इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग एल टाइप से। ठीक, ये होता है लेफ्ट और ये होता है वैल्यू, ये होता है लेफ्ट वैल्यू। ठीक, इसमें क्या होता है लेफ्ट वैल्यू, और लेफ्ट वैल्यू हमेशा ना तो कांस्टेंट हो सकती है, ना तो फंक्शन हो सकता है, ना कोई और दूसरे टाइप का हो सकता है। अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, अगर इसको हम लोग कैंसिल करके फिर एग्जांपल की बात करते हैं एल वैल्यू की। ठीक, तो एल वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, पहला तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ना तो ये फंक्शन हो सकता है, ना ये अदर टाइप हो सकता है, अदर डेटा टाइप नहीं हो सकता ये। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो अगर हमारे पास इंट ए है, ठीक, अब यहाँ पे ए हम लोगों ने क्या किया है, वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है 10 भी हो सकती है, कुछ भी ए की वैल्यू हो सकती है। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे कॉन्स्टेंट बी, ठीक, तो ये एल वैल्यू के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो L वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, ना कि वो फंक्शन भी हो सकता है, और ना ही वो कोई अलग डेटा टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल के हम लोग ने देखा कि कैसे कि A की हम लोग ने डिफाइन किया, ठीक, A की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, A, 2 और 10 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, 10 = 5, अगर 10 = 5 लिखते हैं, ठीक, तो क्या यहाँ पे क्या होगा कि L, यहाँ पे जो L वैल्यू है कैन नॉट बी इंटीजर कॉन्स्टेंट। ठीक, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती है। एक और एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग मैक्सिमम इक्वल टू 10 ले लें, ठीक, तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये एक मैक्रो कॉन्स्टेंट है, तो मैक्रो कॉन्स्टेंट भी हमारा L वैल्यू में नहीं आ सकता। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू b है, यहाँ पे अगर b इक्वल टू 1 ले लें, सॉरी 11 ले लें, तो ये क्या है, ये भी तब भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टाइप है, कॉन्स्टेंट हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया है, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू बी, और बी के वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया, असाइन कर ली 11, तो ये एल वैल्यू नहीं होगा, मतलब कि लेफ्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक, और इसी तरह कोई भी अदर डेटा टाइप नहीं था, अदर डेटा टाइप जैसे मतलब कि अगर हम लोगों ने ले लिया ए बी सी वेरिएबल नेम ले लिया, और यहाँ पे असाइन कर दिया क्या, विकास नाम असाइन कर दिया, और यहाँ पे उसको हम लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो इस टाइप का डेटा भी नहीं ले सकता है। इसका खाली क्या आ जाएगा, एल वैल्यू कैन नॉट बी आर डेटा टाइप, अदर डेटा टाइप। ठीक, ये हो गया एल वैल्यू की बात हो गई, ये मतलब पहले टाइप की बात हो गई। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें इसमें में, तो एक और टाइप होता है, वो होता है आर वैल्यू। आर वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है राइट वैल्यू। देखिए राइट वैल्यू सीधे अपोजिट है इसके एल वैल्यू के, मतलब ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, ये कोई भी रिटर्न वैल्यू करेगा, विच इज रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन का मतलब क्या है, जो भी कोई वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है, वही हमारा फंक्शन होता है। ठीक, ये भी ये आर वैल्यू क्या होता है, जो राइट वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन टाइप भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अगर हम लोग ने ले लिया इंट इक्वल टू एक्स टू, ठीक, तो ये वैलिड है इसमें एल वैल्यू में, इसको बोल सकते हैं मतलब ये क्या है, सॉरी आर वैल्यू, ये क्या है, आर वैल्यू है। ठीक, ये वैलिड है, इसको ले सकते हैं। अगर हम लोग यहीं पे हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इंट जेड इक्वल टू एक्स ले लें, ये भी क्या है, वैलिड है। ठीक, ये भी वैलिड है किसमें, आर वैल्यू में।
अगर x इक्वल टू हम लोग ने ले लिया, मान लीजिए कोई नेम ले लिया, मतलब कोई वैल्यू ले लिया x, ये क्या है वेरिएबल है, तो r वैल्यू कैन बी वेरिएबल, ठीक, r वैल्यू क्या वेरिएबल भी हो सकती है। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, r इक्वल टू ब्लैक कैपिटल में अगर हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक, r वैल्यू कैन बी नंबर अननंबर कॉन्स्टेंट, ये भी हो सकता है अननंबर कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ठीक, ये कॉन्स्टेंट हो सकता है x इक्वल टू ब्लैक। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें x इक्वल टू सम फंक्शन की बात करें, तो ये भी क्या है वैलिड है कि r वैल्यू कैन बी फंक्शन, फंक्शन भी हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें r इक्वल टू डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन की बात करें, फंक्शन, तो ये क्या है वैल्यू रिटर्न करेगा, r वैल्यू कैन बी फंक्शन विच रिटर्न जीरो वैल्यू, ये भी ये क्या है वैलिड है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया r वैल्यू का, ठीक। अभी हम लोग ने देखा l वैल्यू और r वैल्यू। l वैल्यू बेसिकली क्या होता है, इसमें कॉन्स्टेंट और फंक्शन और अदर डेटा टाइप नहीं लेते हैं, और r वैल्यू में इसका अपोजिट होता है, किसका, l का। यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, न्यू नंबर भी होता है, रिटर्न वैल्यू होता है, फंक्शन भी इस यहाँ पे लेते हैं, ये वैलिड होता है इसमें, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हुआ वैल्यू और वेरिएबल्स के दोनों टाइप के।